हाय एवरीबॉडी, आज मैं बना रही हूँ चॉकलेट कपकेक। उसके लिए चाहिए मुझे एक अंडा, इसको हमने अच्छे से फेंट लिया है एक अंडे को, देखिए और फोक से करेंगे तो अच्छे से अंडा हो जाएगा। 3 चम्मच मैंने शुगर पाउडर लिया है, तो भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए शुगर अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे, 4 चम्मच दूध है, 4 टेबल स्पून मिल्क है, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें ये दूध अच्छे से मिक्स हो गया है, इसमें 2 टेबल स्पून इसमें हम ऑयल डालेंगे। आप बटर भी डाल सकते हैं, 2 टेबल स्पून बटर डाल सकते हैं। हम अच्छे से मिक्स करेंगे, इसमें वनीला एसेंस डालेंगे 1/4 टेबल स्पून और ये मैदा है 3 चम्मच 3 टेबल स्पून। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मैदा मिक्स हो गई है, अब इसमें हम 1.5 टेबल स्पून कोको पाउडर ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से हो गया। देखिए इसको अच्छे से मिक्स करना है, इसमें गांठें नहीं पड़नी चाहिए। ये देखिए अब हम इसमें चॉकलेट ऐड कर लेते हैं, 2 टेबल स्पून डार्क चॉकलेट या कोई भी आपके पास चॉकलेट हो, मिल्क चॉकलेट हो। ये मैंने एक कुकर रखा है, इसमें मैंने सॉल्ट डाला हुआ है और करीब मैंने 15 मिनट इसको प्री हीट किया हुआ है। और ये मैं एक स्टैंड रख देती हूँ और इसके ऊपर ये मग रख देती हूँ, इसका हम कवर कर देते हैं। ये मैंने इसकी विसल निकाल दी है, इसको बंद कर दिया है और इसको मीडियम से थोड़ा सा कम आंच पर फ्लेम पर इसको रख देंगे। करीब 15 मिनट के लिए इसको बेक करेंगे। देखिए अब 15 मिनट हो चुके हैं, मैं ये कुकर खोल रही हूँ। ये देखिए केक, देखिए कितना बढ़िया बना, एकदम मजा आ गया। ये देखिए खूब अच्छे से फूल गया, एकदम सॉफ्ट है। इसके हैंडल को आप नैपकिन से जरूर पकड़ें क्योंकि ये गर्म होगा अभी। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए केक एकदम सॉफ्ट है, गर्म गर्म केक है। इसके ऊपर आप चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हैं और आप खाइए, एंजॉय करिए और मुझे बताइए आपको ये केक कैसा लगा। मैं सोच रही इसमें थोड़ा सा मैं अभी चॉकलेट सिरप ऐड कर ही दूँ जिससे और लजीज हो जाएगा, ये टेस्टी हो जाएगा। ये देखिए अब इसको खाइए, इसके ऊपर आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल लीजिए और टेस्टी हो जाएगा। ये देखिए